हरियाणा के हिसार में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि ऐप्स निजीकरण के विरोध व साझा मांग पत्र के समर्थन में हिसार के लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन किया गया। राजकीय स्कूल शिक्षक तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों में तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। हिसार उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भरत सिंह पुनिया सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक ने की। रोष प्रदर्शन में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन हरियाणा, शारीरिक शिक्षक संघ हरियाणा, हरियाणा राज्य के संस्कृत अध्यापक संघ, शारीरिक शिक्षा संघ ने प्रमुखता से भाग लिया। हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान दलबीर पंघाल ने बताया कि राजकीय स्कूल शिक्षक तालमेल कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हमारी सभी शिक्षकों की यूनियन शामिल है। पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने जो ये ऐप बनाई है, हर दिन एक नई ऐप आती है और उसका काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हम मांग करते हैं कि एक ही ऐप बनाई जाए और उसके अंदर ही सारी चीज सम्मिलित की जाए। अगर अलग अलग ऐप होगी तो उसमें ना बच्चे समझ पाते हैं और ना टीचर समझ पाते हैं। सरकार का मॉडल स्कूल बनाने का उद्देश्य है कि सरकार धीरे धीरे इनको सीबीएसई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल कर देगी और आने वाला 3-4-5 साल में 50% जो सरकारी स्कूल हैं वह प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे। हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान दलबीर पंघाल ने कहा कि अगर सरकार जल्दी से हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में हमारी राज्य की तालमेल कमेटी जो फैसला लेगी, चाहे वह भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आज का जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी पूरे हरियाणा के अंदर हमने एक शिक्षक तालमेल कमेटी बनाई थी जिसमें सभी शिक्षकों की जो यूनियन है वो शामिल हैं, और पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने ये ऐप जो बनाई है, हर दिन डेली एक ऐप आती है और उसका काम कर पाना बहुत मुश्किल है, इस ऐप के विरोध में कि एक ही ऐप बनाई जाए और उसके अंदर ही सारी चीज़ सम्मिलित की जाए। अगर अलग अलग ऐप होंगी तो उसमें नए बच्चे समझ पाते हैं और नए टीचर कर पाते हैं और नए हमारी ऐप समझ में आ रही हैं। और रही बात, सरकार ने हमारे को मोबाइल दिए हैं, भाई इस मोबाइल से आप ऐप करो, हमारे पास किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी के पास नहीं है, तो इसलिए ऐप का काम जो है सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा। दूसरा हमारा उद्देश्य था, सरकार जो है मॉडल स्कूल बना रही है, मॉडल स्कूल बना रही है, उसमें संस्कृति मॉडल बना रही है, उसका उद्देश्य सरकार का क्या है, धीरे धीरे इनको सीबीएसई में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल कर देगी और आने वाले 3-4-5 साल में 50% जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे और हमारे अध्यापक जो हैं इन सरकारी स्कूलों से बाहर हो जाएंगे और आगे हमारी वैकेंसी नहीं आएंगी, उसके विरोध में पूरे हरियाणा के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे जो ये ऐप लागू की गई है, ये ऐप जो है जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च से ये जो है ऐप लागू की गई है और हर महीने 2-2-3-3 ऐप जो है बढ़ा दी गई है। ऐप लागू करने का सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने जो है कई जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे कमीशन ले रखा है, उस कमीशन के चक्कर में ऐप लगा रखी है। तो फिर अगर मांग पूरी नहीं हुई, आज हमने पूरे स्टेट लेवल पर डीसी को मेमोरेंडम देना है, अगर ये मांग पूरी हमारी नहीं होती है तो आगे जो तालमेल कमेटी होगी हमारी स्टेट की वो फैसला लेगी, हम आगे जो है चाहे हम सांकेतिक हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें या किसी भी प्रकार की हड़ताल करें, उसमें पीछे नहीं रहेंगे और सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन हम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.